जब उद्धव ब्रज में आए, उद्धव ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो पूरा दिन? ब्रजवासियों से पूछा, आप क्या काम करते हो? तो सब ने एक ही उत्तर दिया, हम बस बैठ कर के अपने कृष्ण को याद करते हैं, यही काम है हमारा, यही धंधा है हमारा। ये ब्रज पागल था कृष्ण के लिए, ना कृष्ण नाम के आगे इनको कुछ दिखाई देता था, ना कृष्ण के आगे इनका कोई जीवन था ही नहीं। और उसी ब्रज में एक प्रेम की धारा बहती थी, बहती है, और उसी प्रेम की धारा का नाम है श्री राधा। वो श्री राधा चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती, हे कान्हा आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी, कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर। सब सामने लेट गई, हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख कर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहाँ राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं।
लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे। मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन
पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था। ऐसा प्रेम ब्रज के लोगों में, राधा रानी में। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार कृपा की भंडार, नाम ही जिनका करुणामयी हो, ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण, रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर, जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए, और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटे। प्रेम ऐसा ही होता है।